दीपावली रोशनी का त्यौहार है। ये हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। हर किसी को इस महापर्व का साल भर इंतजार रहता है। इसे हम पंच महोत्सव के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि दीपोत्सव का ये पर्व पूरे 5 दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुआत धनतेरस से होती है। धनतेरस का पर्व छोटी दिवाली के 1 दिन पहले मनाया जाता है। पांचांग के अनुसार धनतेरस का पर्व कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस दिन धन्वंतरी देव, लक्ष्मी जी और कुबेर महाराज की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही किसी भी वस्तु की खरीदारी के लिए ये दिन उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदी गई चल अचल संपत्ति में 13 गुना वृद्धि होती है। यही वजह है कि लोग इस दिन बर्तनों की खरीदारी के अलावा सोने चांदी की चीजें भी खरीदते हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं इस साल धनतेरस कब है। धनतेरस यानी धन त्रयोदशी का त्यौहार 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान धन्वंतरी की जयंती मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन किसी भी चीज की खरीदारी करना अति शुभ होता है, इसीलिए लोग सोना चांदी भूमि जैसी चीजों को खरीदते हैं। इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा विधि विधान से की जाती है। तो आज इस खबर में जानेंगे कि भगवान धन्वंतरी की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए और पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या है। अब हम आपको बताते हैं कि भगवान धन्वंतरी की पूजा कब करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धन त्रयोदशी या धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी की पूजा प्रदोष काल में करने का विधान है। प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद प्रारंभ होता है। प्रदोष का शुभ मुहूर्त लगभग 2 घंटा 24 मिनट का होता है, इसीलिए धनतेरस के दिन प्रदोष काल में पूजा करने का सबसे उत्तम मुहूर्त होता है। यदि आप इस शुभ मुहूर्त में पूजा करते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होगा। इसके साथ ही घर में धन संबंधित सारी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। अब हम आपको बताते हैं कि भगवान धन्वंतरी की पूजा कैसे करें। धन्वंतरी भगवान की पूजा कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष काल में की जाती है। इस दिन पूजा घर में एक पाटा बिछाएं, उसमें लाल या पीला रंग का कपड़ा रखें और धन्वंतरी भगवान की मूर्ति या फोटो रख लें। फोटो रखने के बाद धन्वंतरी भगवान के साथ ही माता लक्ष्मी, गणेश जी और कुबेर देव की विधि विधान से पूजा करें। पूजा करने के पहले दीपक जलाएं, दीपक के नीचे चावल या धान रखें, उसके बाद तांबे के लोटे में जल लें। जल लेने के बाद देवी देवताओं को स्नान कराएं और साथ ही आचमन करवाएं। आचमन के बाद कुमकुम, रोली, पीला चावल, फूल, दूर्वा, पान, श्रीफल और नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य अर्पित करने के बाद सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें। बता दें कि भगवान धन्वंतरी की पूजा के दौरान ओम नमो भगवते धन्वंतराय विष्णु रूपाय नमो नमः मंत्र का जाप करें। मान्यता है कि इस मंत्र का जाप करने से रोग, पीड़ा और सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।